ऑलराइट गाइस, सो अपने वेब डेवलपमेंट के इस कोर्स में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा HTML, CSS, JavaScript। उसके बाद हम लोगों ने HTML ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हुए VS कोड इंस्टॉल किया था, लाइव सर्वर इंस्टॉल किया था। अब यहाँ पर हम चीज़ों को थोड़ा आगे बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर एक बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे वेबसाइट का क्या है। मैंने तीन फाइलें यहाँ पर बनाई थी, CSS, JavaScript और HTML। अभी हम HTML पे फोकस कर रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी इस बात की टेंशन मत लेना कि ये दो फाइल्स के अंदर क्या है, CSS के अंदर और JS के अंदर। अभी हम पूरी HTML पे फोकस कर रहे हैं। अब यहां पर एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कंट्रोल दबा के मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो जूम इन जूम आउट हो जा रहा है, क्योंकि मैंने अपनी सेटिंग चेंज करी थी। ये सब पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, इसको समझेंगे। मैं अगर इसको मिटा दूं कुछ इस तरह से और यहां पर सिर्फ ये लिखूं, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो एमेट एब्रीवेशन लिख के आ गया है। और अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूं, यानी कि ये फर्स्ट वाले ऑप्शन को, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसको सेलेक्ट कर लूं, ये देखो क्या हुआ, इसने मुझे ऑटोमेटिकली एच टी एम एल की बॉयलर प्लेट दे दी। और ये जो बॉयलर प्लेट है वो क्या है, ये वो कोड है जो कि मुझे लिखना पड़ता है एक एच टी एम एल फाइल को बनाने के लिए। अब इस कोड को समझते हैं। आप में से कई लोग जो है सोचेंगे कि ये क्या है, इतना ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, बट मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगा। सबसे पहले डॉक टाइप एच टी एम एल, ये डॉक टाइप एच टी एम एल क्या है इसको समझ लेते हैं। तो ये जो डॉक टाइप एच टी एम एल है, इसका मतलब है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक एच टी एम एल डॉक्यूमेंट है। यानी कि जो ब्राउज़र है उसको हम बता रहे हैं पहले से कि एक HTML डॉक्यूमेंट है। अब आप लोग कहेंगे क्या सिर्फ HTML डॉक्यूमेंट होता है, तो अगर आप लोग सर्च करें टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स ब्राउज़र कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, तो अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ब्राउज़र जो है वो आपको व्यू करके दे सकता है। जैसे XHTML है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ XHTML, और उसी के साथ साथ आपके अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट टाइप्स होते हैं। बस अभी आप इतना समझ लो कि ब्राउज़र बहुत सारे टाइप समझता है, लेकिन जो HTML है वो सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज और मोस्ट कॉमनली यूज जो टाइप है वो है। तो हम बता रहे हैं बेसिकली ब्राउज़र को कि एक HTML फाइल है, ठीक है, जो डॉक टाइप इज़ HTML। तो ये यहाँ पर हमने लगाया इसलिए। इसके बाद हम अपना HTML टैग स्टार्ट करते हैं। टैग क्या चीज़ होती है इसके बारे में बात करता हूँ। देखो, टैग कुछ ऐसा समझ लो कि हम जब ओपन करते हैं तो हमें क्लोज़ भी करना पड़ता है। तो HTML मैंने यहाँ पर ओपन किया और ये HTML यहाँ पर क्लोज हो रहा है। ओपन करने का क्या तरीका है, इसको मैंने एंगुलर ब्रैकेट लगाया ऐसे, और उसके बाद मैंने HTML lang is equal to en लिख दिया, यानी कि मैंने टैग का नाम लिखा HTML। इसके बाद मैंने इसको एक एट्रीब्यूट दिया, यानी कि lang नामक एट्रीब्यूट दिया। मैंने कहा कि लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा, और उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया। ये ओपनिंग टैग कहलाता है, ये क्लोजिंग टैग कहलाता है, ठीक है, ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर होता है हेड और बॉडी। तो ये हेड रहा और ये रहा बॉडी, ठीक है। तो हेड और बॉडी हमने यहाँ पर, आप जैसे कि देख सकते हैं, हेड बॉडी दोनों हमने यहाँ पर जो है ले आए हैं। अब हेड के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो, हेड के अंदर क्या क्या आता है इस बारे में बात करते हैं। हेड के अंदर वो सारे मेटा टैग्स आते हैं जो कि हमें एक वेबसाइट को डिस्क्राइब करने के लिए लिखने पड़ते हैं। अब ये मेटा टैग्स क्या होते हैं, मेटा टैग का मतलब होता है, मेटा का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्फॉर्मेशन। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मेटा डेटा की बात करूँ, मैं मेटा डेटा की बात करूँ, और मैं गूगल यूज़ करता रहूँगा क्योंकि मुझे आदत है इस चीज़ की कि मैं कुछ भी समझा रहा हूँ तो मैं याद करके ना बैठूँ, मैं आपको रेफरेंसेस लेना भी सिखाऊंगा इस कोर्स के माध्यम से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अ सेट ऑफ डेटा दैट डिस्क्राइब्स एंड गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर डेटा। एक डेटा के बारे में डेटा को मेटा डेटा कहते हैं। उसी तरह ये मेटा टैग्स हैं, ये क्या करते हैं, जैसे कि आपकी वेबसाइट में कीवर्ड्स हैं, आपकी वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन है, वो सारी चीज़ें जो है बताने में मदद करते हैं। तो मेटा टैग्स का ये काम होता है। यहाँ पर ऑलरेडी तीन तरह के मेटा टैग्स लिखे हुए हैं जिनको हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी बस आप लोग इतना समझ लो कि इसमें मेटा टैग्स आते हैं। हेड के अंदर एक टाइटल जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आता है, और उसी के साथ साथ अगर हम कोई एक्सटर्नल शीट लिंक कर रहे हैं वो भी आता है। तो अगर मुझे एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट लिंक करनी है, जैसे कि मान लो मुझे एक्सटर्नल CSS शीट लिंक करनी है, जैसे मान लो मुझे ये harry.css लिंक करनी है, तो मैं यहाँ हेड के अंदर कर सकता हूँ। उसी के साथ साथ harry.js भी मैं हेड के अंदर लिंक कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको लिंक करके नहीं दिखाऊंगा। अभी आप बस इतना समझ लो, मेटा टैग्स आते हैं, टाइटल आता है, और उसी के साथ साथ कुछ भी एक्सटर्नल शीट लिंक करनी होती है वो आती है, ठीक है, और हेड यहाँ पर हमारा बंद हो जाता है। अब एक चीज़ यहाँ पर VS कोड की खासियत आपको दिखाऊंगा, हम नोटपैड क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, VS कोड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ, इसको कोड फोल्डिंग बोलते हैं। मैं यहाँ पर फोल्ड कर सकता हूँ इसको, मैंने हेड बंद कर दिया, आने वाले टाइम में मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारा सामान आ जाएगा, इसलिए मैं बॉडी को बंद खोल कर सकता हूँ इस तरह से। तो ये काफ़ी कन्वीनियंस हमको देता है जब हम VS कोड यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं बॉडी।
अगर मैं अभी इसको सेव कर लूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ टाइटल, सेव किया मैंने इसको, गो लाइव पे क्लिक किया यहाँ पर और मेरा लाइव सर्वर स्टार्ट हो जाएगा जैसे आप देख रहे हैं। मुझे यहाँ पर इस वेब पेज पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो वेब पेज है इसके अंदर मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। बट आप लोग आर्ग्यू करेंगे इतनी सारी चीज़ें तो लिखी हुई हैं, ये किस लिए थी? ये कंटेंट नहीं था वेब पेज का, वेब पेज का कंटेंट बॉडी के अंदर आता है। हमने यहाँ पर दिस इज़ टाइटल लिखा, आप लोग यहाँ पर देखो ये टाइटल यहाँ पर आ रहा है लिखकर, दिस इज टाइटल। अगर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर व्यू पेज सोर्स में जाऊँ तो ये जो सोर्स है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। इसको अभी आप इग्नोर करना, ये लाइव सर्वर एक्सटेंशन ने इंजेक्ट किया है कोड, तो इस कोड को आप इग्नोर कर देना, कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर। देखो इतना हमने लिखा है सिर्फ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं था, इसीलिए यहाँ पर कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर बॉडी के अंदर लिख दूँ ये मेरी बॉडी का कंटेंट है, अगर मैं कुछ इस तरह से लिख दूं तो यहाँ पर देखो ये मेरी बॉडी का कंटेंट है यहाँ पर लिख कर आ चुका है, और जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर लिखूंगा वो मेरी यहाँ पर शो होती जाएंगी। बट आप लोग कहेंगे कि इस तरह की वेबसाइट्स को ज़रा देखो कितनी अच्छी दिख रही हैं, और एक हमारी वेबसाइट देखो कितनी घटिया हमने बनाई हुई है, तो क्या हम भी इस तरह की स्टाइलिंग अचीव कर पाएंगे आने वाले टाइम में? डेफिनेटली कर पाएंगे, और इससे अच्छी स्टाइलिंग मैं आपको अचीव करके दिखाऊंगा। बस अभी के लिए जितने टाइम में हम HTML सीख रहे हैं आप लोग इतना याद रखना कि जो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ थोड़ा सा अगली दिखने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पर बिल्कुल भी कोई CSS इस्तेमाल नहीं करी है, कोई स्टाइल हमने इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप लोग यहाँ पर इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी कोडिंग करें कि अभी हम जो भी करेंगे वो बहुत अच्छा नहीं दिखने वाला है, लेकिन हम लोग CSS की मदद से अपने HTML को खूबसूरत बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर इस वीडियो में देखा कि हम लोग यहाँ पर HTML, हेड और बॉडी, ये तीन तरह की ये जो हमने टैग्स देखे एट अ वेरी हाई लेवल, डॉक टाइप सबसे पहले हम लिखते हैं एक पेज में, उसके बाद हम एक HTML टैग ओपन करते हैं, फिर हेड टैग ओपन करते हैं, फिर बॉडी टैग ओपन करते हैं। हेड के अंदर मेटा टैग्स आते हैं, टाइटल आता है और एक्सटर्नल शीट्स आती हैं। बॉडी के अंदर पूरा कंटेंट जो वेब पेज का है वो आता है, यानी कि जो वेब पेज की बॉडी है वो आती है। ये चीज़ हमने यहाँ पर समझी। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ, कभी कभी आप कुछ नोट्स लेना चाहेंगे अपने पेज के अंदर, जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा HTML कोड स्टार्ट्स हेयर। अब मैं अगर मान लो ये लिखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये एग्जीक्यूट ना करे मेरा ब्राउज़र, तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, और आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ये लग सकता है, सॉरी इसको मुझे कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, और डैश डैश ये, तो इसके अंदर ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग के अंदर जो भी मैं लिखूंगा वो कमेंट के तौर पे आएगा और वो इग्नोर किया जाएगा मेरे ब्राउज़र के द्वारा। तो अभी अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को व्यू पेज सोर्स दिखाऊँ तो ये कमेंट यहाँ पर ऐड हो चुका है। मैंने लगता है लाइव सर्वर बंद किया क्या? नहीं, मैं इसको ज़रा रिलोड करता हूँ, और मैं जैसे इसको रिलोड करूँगा, मैंने सेव नहीं किया शायद, हाँ मैंने सेव नहीं किया, मैं सेव करूँगा जैसे ही, आप लोग यहाँ पर देखो मैं इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पर और HTML कोड स्टार्ट से लिख कर आ गया है। तो ये कॉमेंट होता है। कॉमेंट का मतलब क्या होता है? कॉमेंट का मतलब होता है कि अगर आप लोग कुछ भी ऐसा लिखना चाहते हैं वेब पेज के बीचों बीच जो कि आप चाहते हैं कि इग्नोर हो, तो आप लोग कमेंट के तौर पे लिख सकते हैं, और उसको लिखने का ये तरीका है। तो कुछ भी नोट्स लेना चाहते हैं आप तो इस तरह से ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ अपने इस वेब पेज में कुछ इस तरह से। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और हैड टैग स्टार्ट शेयर, और मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर बॉडी टैग के ऊपर भी लिख दूंगा और बॉडी टैग स्टार्ट शेयर। तो यहाँ पर जो है आप लोग नोट्स ले सकते हैं अपने वेब पेज के बीचों बीच जब आप कोडिंग कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में, और कभी कभी आप लोग को नोट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि आप लोग आने वाले टाइम में वापस से इस वेबसाइट को चेंज करेंगे, और टाइम के साथ साथ आपका कोड बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा। तो आप लोग नहीं चाहेंगे कि आपको परेशानियाँ हों, आप लोग बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे कि आप लोग को दिक्कत हो इस बात से लेके कि क्या चीज़ आपने कहाँ पर लिखी थी, कब लिखी थी, ये क्यों लिखा था। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आप लोग यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, सिर्फ अपने लिए रेफरेंस ले सकते हैं, या फिर कोई अगर मान लो किसी वेबसाइट पे 10 लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि आपने कोई चीज़ करी तो वो क्यों करी, इसका रीज़न लिख सकते हैं कॉमेंट में। कॉमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा बिल्कुल भी, और कॉमेंट आप इस तरह से लिख सकते हैं। एक शॉर्टकट बताता हूँ आप लोगों को, अगर मैं यहाँ पर कॉमेंट लिखूँ, अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह लिखूँ This is doc type, ठीक है, doc type लिखा मैंने। अब मैं कंट्रोल दबा के अपने कीबोर्ड में और जो फॉरवर्ड स्लैश होता है, जो हमारी राइट शिफ्ट के बराबर में फॉरवर्ड स्लैश है, वो दबाऊं तो ये ऑटोमेटिकली कमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और मैं वापस से कंट्रोल स्लैश दबाऊं तो यहाँ पर
मैं टॉगल कर सकता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज़ डॉक टाइप, दिस इज़ डॉक टाइप, तो मैं यहाँ पर अपने कमेंट को टॉगल कर सकता हूँ। टॉगल का मतलब मैं यहाँ पर अपने कमेंट किसी लाइन को कमेंट बना सकता हूँ या बनी हुई कमेंट लाइन को कमेंट से हटा सकता हूँ, क्योंकि इसको मैन्युअली टाइप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर मान लो मुझे इतना पार्ट कमेंट करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करके ऐसे कर दूंगा और ये ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाएगा, ठीक है। और मैं वापस से वही बटन दबाऊंगा कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है अगर आप लोग कोडिंग करते हैं वी एस कोड में HTML की। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एक बेसिक स्ट्रक्चर एक वेबसाइट का कैसा दिखाई देता है, और आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। जब भी हम आगे कोडिंग करेंगे आप लोग देखेंगे कि मैं ज़्यादातर काम बॉडी के अंदर करूँगा, तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने बॉडी में क्यों करा है सारा का सारा काम, या फिर मैंने किसी एक स्पेसिफिक उसमें क्यों किया है, क्योंकि उसका रीज़न यही होगा कि जो हमारा बॉडी है उसके अंदर पूरा HTML कंटेंट आता है, और हमारा जो बाकी के टैग्स हैं उनका दूसरा पर्पज़ होता है, जैसे कि इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। सो मैं यहाँ पर अपने पोर्ट 5500 को क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखो डिस्पोजिंग करके बंद हो जाएगा और मैंने लाइव सर्वर अपना बंद कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है वेब डेवलपमेंट वाली, तो मैं कहूँगा इसको जल्दी से जल्दी एक्सेस कर लें, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर सारे वीडियोस अपलोड होंगे, यही वो एंट्री पॉइंट है, वही स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहेंगे इस कोर्स को। इसको बुकमार्क कर लें ज़रूर से और सेव कर लें अपने लिए, ताकि आप लोगों के पास यहाँ पर ये कोर्स आ जाए और आप स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखें। काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या मैं सब कुछ अच्छे से सिखाऊंगा इसमें, डेफिनेटली मैं इस कोर्स को पूरा कंप्लीशन तक लेके जाऊंगा, तो उसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप लोग इसको देखते रहें और मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।